solving a system of linear equation by matrix method. Dear students, there are two types of equations होते हैं, right? We know very well for R2 and R3. First we are solving method for R2 and then after we are solving method for R3. So now the first we are see the method for R2, right? Okay. When we solving this method for R2, so we know very well na, है ना कि we have minimum 2 equations, right? मेरे पास 2 equations होने चाहिए. तो फर्स्ट है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरा जो है वो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, राइट? हमारे पास कोई भी 2 इक्वेशंस हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल. फर्स्ट आपको 3 मैट्रिक्स बनाने हैं, फर्स्ट 3 मैट्रिक्स, राइट? 3 मैट्रिक्स में इक्वेशन को आपको कन्वर्ट करना है. जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो कौन सा होगा, सेकंड है और कौन सा होगा? जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो x एंड y का कोएफिशिएंट का होगा. जो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो x एंड y के कोएफिशिएंट a1, b1, a2 एंड b2 जो फर्स्ट मैट्रिक्स हम बनाएंगे वो x एंड y के कोएफिशिएंट का बनाएंगे, जिसको हम नाम देंगे मैट्रिक्स A. दूसरा जो मैट्रिक्स होगा वो होगा कांस्टेंट का, सॉरी वेरिएबल का. जो वेरिएबल है हम यहाँ पे x एंड y है, तो x एंड y वेरिएबल का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, इसको हम नाम देंगे x, राइट? एंड थर्ड जो मैट्रिक्स है वो होगा कांस्टेंट टर्म का, C1 एंड C2, राइट? बट यहाँ पे बेटा एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम नाम देंगे B, सॉरी. यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे इक्वेशन A फॉर्म में नहीं होने चाहिए. हमारे इक्वेशन जो है ये कंपल्सरी a1x प्लस b1y इक्वल टू माइनस c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू माइनस c2 के फॉर्म में होने चाहिए, तभी आप ये प्रॉपरली उसको सॉल्व कर पाओगे, राइट? तो पहले मैंने मैट्रिक्स बना दिया, देन आफ्टर दूसरा स्टेज मुझे ax इक्वल टू b लिखना है, सिर्फ लिखना है और कुछ नहीं करना है, राइट? देन आफ्टर मुझे इसको x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b के फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन आफ्टर मुझे a इनवर्स फाइंड करना है. ये हमारे साथ एल्गोरिदम हो गए, राइट? एंड लास्ट में a इनवर्स इनटू b का मल्टीप्लिकेशन करके इनवर्स इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन करके x के साथ कंपेयर करना है, ओके? एंड देन आफ्टर लास्ट स्टेज में आप x एंड y की वैल्यू फाइंड कर पाओगे. इट्स अ वेरी कॉमन मेथड. तो ये मेथड आपको फॉलो करनी पड़ेगी. R2 है या R3 है, मेथड में कभी कोई चेंज नहीं होता है, राइट? फर्स्ट हम इसके एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बाद में हम इसके आरसी के लिए भी सॉल्व करेंगे. नाउ हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा. तो हमारा फर्स्ट स्टेज क्या होता है आपको मालूम है? जो हमारा फर्स्ट स्टेज जो होता है वो होता है राइट द मैट्रिक्स फॉर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ये बोल रहे हैं, राइट? तो यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 3 एंड 5, राइट? फर्स्ट हमारा स्टेज है ये. दूसरा है हमें x एज्यूम करना पड़ेगा, इट इज द वेरिएबल फॉर x एंड y एंड थर्ड मैट्रिक्स b इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट का मैट्रिक्स। नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए, ए एक्स इक्वल टू बी। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू बी लिख दिया हमने, देयरफॉर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी आ गया। अब नेक्स्ट हमें ए इनवर्स फाइंड करना है, बट ए इनवर्स फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं पहले। तो 1 - 3 - 2 5, राइट, 1 - 3 - 2 5 इज वेरी इजी, सी 5 and 6 - 6 equal to -1 is not equal to 0 and therefore A inverse exists. ये कंपल्सरी है ना, राइट। इसके बाद क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया हमने, बहुत सिंपल है, क्योंकि A इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट फाइंड करना कंपल्सरी है। एडजॉइंट 5 1 and 3 2 and therefore A inverse is equal to 1 upon -1 into adjoint, तो 5 3 2 1 इस पर फॉर्मूला लिखने कोई ज़रूरत नहीं है। तो A इनवर्स इक्वल टू आ जाएगा आपका, राइट। तो आपका फाइनल आंसर जो आ गया वो है -5 - 2 - 3 and -1, राइट। A इनवर्स क्लियर। मुझे क्या फाइंड करना है बेटा, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए वैल्यू यहाँ पे रखनी है हमें, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। एक्स की वैल्यू होती है x एंड y, ए इनवर्स की वैल्यू होती है -5 - 2 - 3 and -1 एंड बी की जो वैल्यू होती है वो 4 - 7, राइट। तो हम इजिली क्या पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 × -20 - 12 - 14 and 7. So we get here -20 + 14 - 6 and -5. So x equal to -6 and y equal to -5, ये हमारा आंसर आ गया। x इक्वल टू -6, y इक्वल टू -5। आप यहाँ पे रख के भी चेक कर सकते हो, देखो यहाँ पे हम लास्ट में ऐसा चेक कर सकते हैं। x की वैल्यू -6 रख दी हमने यहाँ पे, y की वैल्यू -5 तो +10 हो गया, तो 10 - 6 4 आंसर आ गया। दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो 100% राइट है। ओके, तो ऐसे हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। नाउ द सॉल्विंग मेथड फॉर R3। बेटा यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिखा हुआ है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 एंड a3x + b3y + c3 = 0। वंस अगेन जैसा हमने आगे किया वैसे ही यहाँ पर हमें थ्री मैट्रिक्स बनाने हैं। जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा वो किसका होगा, x, y एंड z, x, y एंड z का कोएफिशिएंट होगा, सॉरी यहाँ पे a1x + b1y + c1z = d1 आना चाहिए, c2z = d2 एंड c3z = d3। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे थ्री मैट्रिक्स आ जाएंगे, x, y एंड z के कोएफिशिएंट के आ जाएंगे, राइट। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा वेरिएबल का, जो x, y एंड z, एंड तीसरा जो मैट्रिक्स है वो हमारा आ जाएगा d1, d2 and d3, मीन्स कांस्टेंट का आ जाएगा, राइट। तो ऐसे हमें थ्री मैट्रिक्स पहले बनाने हैं, देन आफ्टर हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो लिखना है हमें ax इक्वल टू b। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ax इक्वल टू b के फॉर्म में। देन आफ्टर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इनवर्स इंटू b का फॉर्म आ जाएगा, एग्री। ओके, एंड देन आफ्टर वी नो वेरी वेल भाई हमें फर्स्ट स्टेप में क्या फाइंड करना होगा, ए इनवर्स हमें फाइंड करना आना चाहिए, राइट। हमारे लास्ट वीडियो में हमने इसके लिए कुछ टिप्स दी थी के इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप पहले ए इन्वर्स फाइंड कर लो, राइट, देन आफ्टर ए इन्वर्स इनटू बी का मल्टीप्लिकेशन कर दो एंड ये जो रिजल्ट आता है उसको एक्स के साथ कंपेयर कर दो, देन यू विल फाइंड योर रिजल्ट, राइट। तो प्रोसीजर R2 है या R3 है, प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल जो है वो बढ़ जाते हैं a1x b1y प्लस c1z, a2x प्लस b2y प्लस c2z एंड a3x प्लस b3y एंड c3z इक्वल टू d3, राइट। दूसरा कोई चेंज यहाँ पे नहीं होता है, राइट। नाउ वी आर सॉल्विंग वन क्वेश्चन फॉर दिस। नाउ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो मेरा फर्स्ट स्टेज क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट होना चाहिए मुझे x, y एंड z के कोफिशिएंट का एक मैट्रिक्स बनाना है। ओके, क्या हो जाएगा अभी, नो वेरिएबल 1 1 1 2 -1 -1 एंड 1 -1 1 फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, वेरिएबल का x, y एंड z का, एंड थर्ड क्या होना चाहिए 3 3 एंड 9 का। नाउ तो a x एंड b हो गया, राइट अब नेक्स्ट स्टेप लेके होना चाहिए, तो मुझे इसको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे a x इक्वल टू b, राइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू a इनवर्स इंटू बी, राइट। बेटा अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा a इनवर्स, बट a इनवर्स फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a मैं फाइंड कर रहा हूँ, यहाँ पे तो डिटर्मिनेंट ऑफ a लिखा है यहाँ मैंने 1 1 1 2 -1 -1 एंड 1 -1 1। मैं इसको सिंप्लीफाइड कर रहा हूँ, राइट। तो नाउ -6 ≠ 0, दैट मीन्स a इनवर्स क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, तो हमें फाइंड करना पड़ेगा एडजॉइंट। जब तक हम एडजॉइंट फाइंड नहीं कर सकते ना बेटा, तब तक हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम पहले एडजॉइंट ये फाइंड कर लेते हैं। ओके, एडजॉइंट कैसे फाइंड करना है वो सबको आता है ना, अगर नहीं आता है तो हमारे लास्ट जो वीडियो है उसमें लिखा हुआ है, आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट, राइट। तो एड जॉइंट ए इक्वल टू, राइट, तो अब हमें फाइंड करना चाहिए ए इनवर्स। एड जॉइंट हमें मिल गया, अब ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, तो वी नो वेरी वेल कि ये सारी वैल्यू हमें ए इनवर्स में कैसे रखते हैं, राइट। सो ए इनवर्स का फॉर्मूला सबको मालूम है ना, ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एड जॉइंट ए। अब मैं यहाँ पे ए वैल्यू और ए वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ। नाउ अगर ए वैल्यू जो है ए इनवर्स की एंड बी की वैल्यू हम फॉर्मूला में रख रहे हैं, सही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो बच्चा ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 6 -1 अपॉन 6 -2 -3 एंड -1 -2 0 एंड 2 0 3 एंड -3, सही है, राइट, इन टू बी। तो बी की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 3 3 9, राइट। नाउ हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है बच्चों, और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और वो अच्छी तरह से आपको आता है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट लिख रहा हूँ, राइट। तो मल्टीप्लिकेशन आ गया -12 8 एंड -24 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगा। 18 डिवाइडेड बाय 6 तो 3 है, बाहर माइनस है तो -3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4। 24 डिवाइडेड बाय 6, बाहर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। बच्चों x की वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 -3 4, राइट। नाउ कंपेयर बोथ साइड, सो वी गेट्स हियर एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -3 एंड जेड इक्वल टू 4। राइट। अब ये वैल्यू राइट है कि रॉन्ग है वो तो एक बार चेक करनी पड़ेगी ना, बहुत सिंपल है यार, क्या बड़ी बात है। यहाँ पे 2 रख दो तो 2, y की वैल्यू -3 है तो -3 राइट, एंड +4 तो 2 - 3 -1 +4 = 3 आ गया, चेक कर सकते हो आप। दैट मीन्स xyz की वैल्यू राइट है। तो हम ऐसे कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बेटा। वी नो वेरी वेल कि हम एलिमिनेशन मेथड से कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, हमें प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर मैट्रिक्स से सॉल्व करना है तो हमारे पास ये सबसे बेस्ट मेथड है।